स्वस्थ मानव जीवन में प्रकृति का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। प्रकृति ने एक से बढ़कर एक जीवनदायिनी औषधियां प्रदान की हैं, जो कहीं न कहीं हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकृति के द्वारा दी गई तमाम औषधियां किसी संजीवनी से कम नहीं है। आज हम एक ऐसी ही औषधि के बारे में बात करेंगे जो हर किसी के स्वास्थ्य का श्रृंगार है। जी हाँ, इस औषधि का नाम ही हर श्रृंगार है, जिसे पारिजात भी कहा जाता है। यह जीवनदायिनी औषधि को ज्वर नाशक के रूप में भी जाना जाता है। यह मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, साइटिका जैसे तमाम पुराने से पुराने दर्द सहित विभिन्न प्रकार के बुखार को जड़ से खत्म करने में कामयाब सिद्ध होता है। इसके पत्ते तो पत्ते, छाल का भी बड़ा महत्व है। इसके फूल इतने सुगंधित होते हैं कि आसपास के वातावरण को भी सुगंधित और शुद्ध कर देते हैं। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय नगर बलिया। क्या कहेंगे, ये पारिजात जिसे हर श्रृंगार कहा जाता है, इसकी छाल और पत्तियां कितना लाभकारी होती हैं, क्या प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग किया जाता है? पारिजात का औषधीय गुण जो है आयुर्वेदा में वो बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर्स है। जैसे कि इसको रसायनी भी कहा गया है, वाजिकारक भी कहा गया है, स्तंभन भी कहा गया है, और वेदना हर में रखा गया है, ज्वरहग्न कहा गया है। आप आजकल चिकनगुनिया, डेंगू सब में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पर जैसे हम लोग इसको पारिजात को शाटिका मतलब ग्रदसी में बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है, उसका लाभ भी बहुत अच्छा होता है। इसकी 13 पत्तियां ले लेनी है और उसको धुल के अच्छे से और एक गिलास पानी में बॉईल कर लेना है, मतलब 4 कप कर लीजिए। बॉईल करके जब वो आधा कप बच जाए तो उसको छान के गुनगुना करके पीना है। इसको पारिजात का काढ़ा कहते हैं। शाटिका 100% ठीक हो जाती है। और इसके और भी गुण बताए गए हैं, जैसे श्वास हर काशहर में भी रखा गया है, जिसकी सांस फूलती हो, बुखार आ रहा हो, उसमें भी दिया गया है। इसको रसायन के रूप में भी यूज़ करते हैं, इसको जॉइंट पेन में यूज करते हैं। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।